दिल्ली में अधिकारियों और केजरीवाल सरकार के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है और बीते काफी दिनों से दिल्ली जल बोर्ड और केजरीवाल सरकार के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। पहले ये विवाद फंड को लेकर था, लेकिन अब दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ पर आतिशी ने एक लेटर लिखा है और लेटर में उन्हें सख्त आदेश दिए हैं। अब ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने अलग अलग हिस्सों में सीवेज ओवरफ्लो पाए जाने पर जल बोर्ड के सीईओ को लेटर लिखा है। उन्होंने सीईओ और अधिकारियों को साप्ताहिक आधार पर स्थिति का जायजा लेने के लिए जमीन पर उतरने का निर्देश दिया है। आतिशी ने लेटर में लिखा है कि अलग अलग हिस्सों से सीवर ओवरफ्लो के संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही है। आतिशी ने अपने लेटर में लिखा, मैंने व्यक्तिगत रूप से संबंधित स्थानीय क्षेत्र के अधिकारियों के साथ सुल्तानपुर माशरा, पॉकेटे मयूर विहार, अशोक विहार, चितलाकेट, नेहरू हिल के कई क्षेत्रों का दौरा किया है। मुझे ये कहते हुए निराशा हो रही है कि इन क्षेत्रों की जमीनी स्थिति न केवल निराशाजनक थी बल्कि अमानवीय भी थी। अपने दौरे के दौरान मैंने देखा कि सीवर का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। ज्यादातर मामलों में आसपास रहने वाले लोगों ने मुझे बताया कि वे कई महीनों से इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कुछ मामलों में निवासियों ने बताया कि सीवर ओवरफ्लो की समस्या इतनी बनी हुई है कि उन्हें अपने घरों से बाहर निकलने के लिए ईंटों पर कदम रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपने इस लेटर में आतिशी ने आगे लिखा, कुछ दिल्ली जल बोर्ड अधिकारियों की लापरवाही ने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अस्वास्थ्यकर स्थिति पैदा कर दी है। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। स्थानीय निवासियों ने ये भी बताया, दिल्ली जल बोर्ड को बार बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। इससे भी अधिक चौंकाने वाला तथ्य ये है कि इन दौरों पर मेरे साथ आए स्थानीय क्षेत्र के अधिकारी जमीनी स्तर पर जनता के सामने आने वाली समस्या से अब भिंग लग रहे थे। ज्यादातर मामलों में स्थानीय क्षेत्र के अधिकारी इन समस्याओं से बेखबर थे। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी भी जनता के सवालों का जवाब देने में असमर्थ थे। अधिकारियों की समझ और वास्तविक जमीनी हकीकत में बिल्कुल मेल नहीं था, अन्यथा ये कैसे संभव है कि मुद्दे स्थानीय कार्यालय के बजाय मंत्री के कार्यालय तक पहुंच गए। इसके अलावा लेटर में आतिशी ने ये भी लिखा कि दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम के अनुसार सीवर रखरखाव बोर्ड की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि दिल्ली जल बोर्ड समयबद्ध तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उसे सिर झुकाना चाहिए। आतिशी ने कहा, मैंने पहले सीईओ को सभी दिल्ली जल बोर्ड अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करने का निर्देश दिया था, सभी सार्वजनिक शिकायतों का 48 घंटे के भीतर समाधान करें। इस मोर्चे पर कोई भी लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। शिकायतों का समय पर जवाब देने के अलावा अधिकारियों को सीवर की स्थिति का जायजा लेने के लिए भी सक्रिय रूप से मैदान पर जाना चाहिए। सीईओ, सदस्य, मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अतिरिक्त अभियंता और कनिष्ठ अभियंता क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण करें ताकि ये समस्याएं उत्पन्न ही ना हो। इसके अलावा आतिशी ने अपने इस लेटर में इन तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आतिशी ने सीईओ और सदस्य के लिए हर हफ्ते कम से कम 2 बार फील्ड विजिट का निर्देश दिया। इसके साथ ही मुख्य अभियंता के लिए हर हफ्ते कम से कम 3 फील्ड विजिट करने का निर्देश दिया। इसके साथ बाकी के सभी अधिकारियों को हर दिन जमीनी दौरा करने, इन क्षेत्रों के दौरे की रिपोर्ट प्रत्येक सोमवार को सीईओ और अध्यक्ष के कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आतिशी ने अपने इस लेटर में ये कड़े शब्दों में कहा कि इन सभी निर्देशों का अनुपालन सीईओ खुद करेंगे। तो अब देखना होगा कि दिल्ली जल बोर्ड पर आतिशी के इस एक्शन पर किस तरह से काम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।